Good morning, class 10th. In our last video, I explained the story, the dying detective, first part. Today we'll continue with the same story, part 2. I reached Mr. Culverton Smith's house. मैं मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ के घर पहुंचा. द बटलर अपीयर्ड एट द डोरवे. बटलर जो घर में खानसामा होता है खाना बनाने वाला, उससे थोड़ा सा दरवाज़ा खोला. थ्रू द हाफ ओपन डोर आई हर्ड अ मैनस वॉइस टेलिंग द बटलर आई एम नॉट एट होम से सो. और उस आधे खुले दरवाजे से मुझे अंदर से एक आवाज़ आई. उस आदमी ने बटलर से कहा, कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ. आई पुश्ड पास्ट द बटलर एंड एंटर द रूम. मैंने उस बटलर को एक तरफ करके कमरे में मैं दाखिल हो गया. आई सॉ ए फ्रेल मैन विद बाल्ड हेड सेटिंग. मैंने वहाँ पे एक कमज़ोर गंजा सा आदमी बैठा हुआ देखा. आई एम सॉरी आई सेड. मुझे माफ़ करना, मैंने कहा, बट द मैटर कैन नॉट बी डिलेड. पर हम इस मसले को और देर नहीं कर सकते. मिस्टर शेरलक होम्स द मेयर मेंशन ऑफ हिज नेम हैड अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द मैन. सिर्फ ये नाम लेते ही उस आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए. हैव यू कम फ्रॉम होम्स, हाउ इज ही आस्क्ड. उसने मुझे पूछा, क्या तुम होम्स के पास से आए हो, कैसा है वो. ही इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है. दैट इज़ वाई आई हैव कम, इसीलिए मैं आया हूँ. मिस्टर होम्स हैज़ अ हाई ओपिनियन ऑफ यू एंड थॉट यू आर द ओनली मैन इन लंडन हु कैन हेल्प हिम. मिस्टर होम्स आपके बारे में बहुत बढ़िया विचार रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि लंदन में केवल आप ही हैं जो इसका उसको मदद कर सकते हैं. द लिटल मैन वॉज स्टार्टेड. वो छोटे कद का आदमी चौंक गया. वाई ही आस्क्ड, उसने पूछा क्यों. बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ द ईस्टर्न डिजीजेस, आई रिप्लाइड. मैंने जवाब दिया, क्योंकि आपको पूर्वी देशों की बीमारियों के बारे में जानकारी है. हाउ डिड ही गेट इट, ही आस्क्ड. उसने मुझे पूछा, उन्हें ये बीमारी कैसे हुई. आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उन्हें हर एक चीज़ बताई. He smiled and agreed to come. वो मुस्कुराया और राज़ी हो गया साथ चलने के लिए. Pretending that I had some other appointment, I left him. मैंने वहाँ पर जानबूझकर उन्हें बताया कि मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, मुझे किसी और से मिलना है, और मैं उन्हें छोड़कर आ गया. With a sinking heart, I reached Holmes' room. धड़कते दिल से मैं होम्स के कमरे में पहुँचा. I told him that Mr. Smith was coming. मैंने उसे बताया कि मिस्टर स्मिथ अभी आ रहे हैं. Well done, Watson, he said. You have done everything that a good friend could do. Now you disappear to the next room and don't speak or come here. Holmes ने कहा, Well done, Watson, बहुत बढ़िया Watson. तुमने वो सब कर दिखाया जो एक अच्छा दोस्त मेरे लिए कर सकता है. अब ऐसा करो, तुम इस कमरे में से गायब हो जाओ और साथ वाले कमरे में जाकर ना तो कुछ बोलोगे और ना ही यहाँ वापस आओगे. I heard the footsteps. मुझे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी. हार्ट आई हर्ड अ वॉइस से होम्स, होम्स कैन यू हियर मी. मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि होम्स को बुला रही थी और पूछ रही थी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो. इज़ दैट यू मिस्टर स्मिथ, होम्स विस्पर्ड. होम्स बुदबुदाया, क्या आप हो मिस्टर स्मिथ. यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, क्या आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है. यू आर द ओनली वन इन लंडन हु कैन क्योर मी. लंडन, पूरे लंडन में सिर्फ आप ही हो जो मुझे मेरा इलाज कर सकते हो. डू यू नो द सिम्टम्स, आस्क्ड स्मिथ. स्मिथ ने पूछा, क्या तुम्हें इसके लक्षणों के बारे में पता है. ओनली टू वेल मिस्टर स्मिथ एंड ही डिस्क्राइब द सिम्टम्स. उन्होंने कहा, हाँ अच्छी तरह से, और उन्होंने सारे लक्षण बताए. दे आर द सेम होम्स, स्मिथ सेड. स्मिथ ने कहा, ये तो वही लक्षण है. पुअर विक्टर वॉज अ डेड मैन ऑन द फोर्थ डे, अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यंग मैन. बेचारा विक्टर, वो भी इस बीमारी के चौथे दिन मर गया था. बहुत ही हेल्दी, स्वस्थ वो नौजवान आदमी था. व्हाट ए कॉन्सिक्वेंस इंडीड. आई नो दैट यू डिड इट, सेड होम्स. मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है. वेल यू कांट प्रूव इट, पर तुम इसको साबित नहीं कर सकते. गिव मी वाटर प्लीज, होम्स ग्रोंड. होम्स करा कर बोला, कृपया मुझे पानी दो. हेयर आई हर्ड स्मिथ्स वॉइस. मैंने स्मिथ की आवाज़ सुनी. उसने बोला, ये रहा. क्योर मी प्लीज. Well, about Victor Savage's death, you did it. I will forget everything, but cure me, I will forget about it. मेरा इलाज करो कृपया करके. विक्टर के बारे में, उसकी मौत के बारे में मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, पर मेरा इलाज करो. I'll forget about it. मैं इसके बारे में सब कुछ भूल जाऊँगा. You can forget or remember, just as you like.
इट डजेंट मैटर टू मी हाउ माई नेफ्यू डाइड, तुम इन चीज़ों को याद रखो या भूल जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे नेफ्यू मेरे भतीजे की मौत कैसे हुई। वॉटसन सेड यू गॉट इट फ्रॉम द चाइनीज सेलर्स, वॉटसन ने मुझे बताया कि तुम्हें ये बीमारी चाइनीज नाविकों से लगी है। कुड देयर बी एनी अदर रीज़न, क्या इसकी कोई और वजह हो सकती है? आई कॉन्ट थिंक, माई माइंड इज़ गॉन, हेल्प मी, प्लीडेड होम्स। होम्स ने मिन्नत करी, मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बस मेरी मदद कीजिए। डिड एनीथिंग कम बाय पोस्ट, अ बॉक्स बाय चांस ऑन वेडनेसडे, क्या डाक द्वारा कुछ चीज़ आई थी? एक बॉक्स हो सकता है ऑन वेडनेसडे बुधवार के दिन। येस आई ओपनड इट एंड देयर वॉज अ शार्प स्प्रिंग इनसाइड इट, हाँ मैंने उसको खोला था और उसमें एक बहुत ही तीखा सा स्प्रिंग था। अ जोक परहैप्स, इट ड्र्यू ब्लड, सेड होम्स। होम्स ने कहा हो सकता है कोई मजाक हो, पर मेरे हाथ से खून निकला था। नो इट वॉज नॉट ए जोक यू फूल, यू हैव गॉट इट, नहीं यह कोई मजाक नहीं था मूर्ख, तुम्हें हो गया है। हु आस्क्ड यू टू क्रॉस माई पाथ, किसने कहा था कि तुम मेरे रास्ते में आओ? यू न्यू टू मच अबाउट विक्टर्स डेथ, तुम्हें विक्टर की मौत के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई है। योर एंड इज़ नियर होम्स, तुम्हारा अंत नज़दीक है होम्स। आई विल कैरी दिस बॉक्स इन माई पॉकेट, ये बॉक्स मैं अपनी जेब में डालकर ले जाऊँगा। द लास्ट पीस ऑफ एविडेंस, जो कि एक आखिरी प्रूफ है तुम्हारे पास। टर्न अप द गैस स्मिथ, सेड होम्स इन हिज नेचुरल वॉइस, होम्स ने अपनी कुदरती आवाज़ में बोला कि ये जो गैस पड़ा है इसको टर्न अप कर दो, इसको और बढ़ा दो। येस आई विल, सो दैट आई कैन सी यू बेटर। देयर वॉज साइलेंस, देन आई हर्ड स्मिथ से, व्हाट्स ऑल दिस? येस आई विल सो दैट आई कैन सी बेटर, स्मिथ ने बोला हाँ हाँ मैं इसको कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकूँ। कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई और फिर मैंने स्मिथ की आवाज़ सुनी, व्हाट्स ऑल दिस, ये सब क्या है? सक्सेसफुल एक्टिंग, सेड होम्स। होम्स ने कहा ये तो एक कामयाब एक्टिंग है। फॉर 3 days आई डिडंट टेस्ट एनीथिंग, नीदर फूड नॉर ड्रिंक, 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। देयर वर फुटस्टेप्स आउटसाइड, तभी मुझे बाहर कुछ कदमों की हाट सुनाई दी। द डोर ओपन्ड एंड आई हर्ड इंस्पेक्टर मॉर्टन्स वॉइस, दरवाज़ा खुला और मुझे इंस्पेक्टर मॉर्टन की आवाज़ सुनाई दी। आई अरेस्ट यू ऑन चार्ज ऑफ मर्डर, ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। एंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ शेरलॉक होम्स टू, लाफ्ड होम्स, और होम्स ने हंसकर कहा और शेरलॉक होम्स का कत्ल करने के की कोशिश करने के जुर्म में भी। देयर वॉज अ सडन रश एंड स्कफल फॉलोड बाय द क्लैश ऑफ आयरन एंड सडन क्राई ऑफ पेन, कमरे से कुछ दौड़ने भागने और आपस में झड़प की आवाज़ें आने लगी और तभी हथकड़ी की बेड़ियों की आवाज़ आई। देयर वॉज ए क्लिक ऑफ हैंडकफ्स, होम्स आस्क्ड मी टू कम इन, और जल्दी से उसको हथकड़ी लगाई गई, होम्स ने मुझे अंदर आने के लिए कहा। सॉरी वॉटसन, आई वॉज रूड टू यू, मुझे माफ़ कर दो वॉटसन, मैं तुम्हारे साथ ढंग से बात नहीं कर रहा था। आई अंडरमाइन योर कैपेबिलिटी एज अ डॉक्टर, इट वॉज जस्ट टू गेट स्मिथ हियर, मैंने तुम्हारे डॉक्टर होने की काबिलियत पर शक किया, इट वॉज जस्ट टू गेट स्मिथ हियर, सिर्फ मैं स्मिथ को यहाँ लाना चाहता था। एंड आई डिडंट वॉन्ट यू टू नो दैट आई वॉज नॉट इल, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम ये जान पाओ कि मैं बीमार नहीं हूँ। बट योर अपियरेंस, आई सेड, मैंने कहा पर तुम्हारा देखने से जो तुम लग रहे थे बीमार हो। 3 days फास्टिंग एंड द मेकअप डिड द ट्रिक, 3 दिन की भूख व्रत और मेकअप ट्रिक ने ये सब किया। एंड द गैस वॉज टर्न्ड अप टू गिव ए सिग्नल टू मॉर्टन टू कम, और ये जो गैस ऊंचा किया गया सिग्नल था इंस्पेक्टर मॉर्टन को अंदर आने के लिए। और कॉइंस, ओ दैट वॉज ओनली टू प्रूव दैट आई वॉज डिलीरियस, ओ वो तो सिर्फ ये बताने के लिए कि बुखार ने मेरे दिमाग पर भी असर कर दिया है। ही लाफ्ड, और वो हंसा। आई नीड टू ईट नाउ वॉटसन, वॉटसन अब मैं कुछ खाना चाहता हूँ। मिस्टर स्मिथ किल्ड हिज नेफ्यू एंड ही वॉन्टेड टू किल मी द सेम वे टू अवॉइड इम्प्रिजनमेंट, मिस्टर स्मिथ ने अपने भतीजे विक्टर का कत्ल किया और वो उसी तरीके से मेरा भी कत्ल करना चाहते थे और कैद से बचना चाहते थे। आई नीड टू ईट नाउ, मुझे खाने की ज़रूरत है वॉटसन, एंड थैंक यू वॉटसन, ही सेड, और उन्होंने वॉटसन का धन्यवाद दिया। दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी, होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। गो थ्रू योर चैप्टर वंस अगेन एंड राइट योर क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड डू लर्न देम। थैंक यू सो मच।